जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और श्रीलंका के बीच में पहला T20 मुकाबला खेला जा रहा है उसी की लाइव अपडेट के बारे में, और साथ में टॉस के बाद क्या अभी तक मैच का पूरा हाल है, पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आज पहले T20 मुकाबले के दौरान टॉस के वक्त कप्तान शिखर धवन ने मैदान पर किया कुछ ऐसा कि देखने के बाद छूट गई हर किसी की हंसी। आप भी देखकर इस वीडियो को जरूर हंसोगे। तो दोस्तों, आखिरकार शिखर धवन ने बीच मैदान पर आज क्या किया उसके बारे में भी बताएंगे और उसका वीडियो भी दिखाने वाले। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि प्रिया मलिक को बधाई देते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से हुई बड़ी चूक, कर दिया था कुछ ऐसा ट्वीट, फिर करना पड़ा डिलीट। तो दोस्तों, आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ियों ने क्या किया इनके बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20I सीरीज जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि वनडे सीरीज अपने नाम करने के बाद अब शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम इंडिया T20 सीरीज में भी जीत के आगाज के साथ आज मैदान पर उतरी, जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज कोलंबो के KR प्रेमादासी स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ी से सजी भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ रविवार से 3 मैचों की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भी जीत के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करी, जहां पर आज पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम में वरुण चक्रवर्ती को डेब्यू करने का मौका मिला। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज भारत और श्रीलंका की टीम के लिए ये T20 मुकाबला काफी ज्यादा जरूरी है, जहां पर तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम ने शिखर धवन की कप्तानी में अपने हाथों से गंवाया था, और ऐसे में भारतीय टीम ने तीसरे वनडे मुकाबले में काफी बड़ी चूक करी थी। और आज उन चूकों को पीछे कर भारतीय टीम मैदान पर अपनी बेहतरीन प्लेइंग 11 टीम लेकर उतरी। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें हेड टू हेड की, तो भारत और श्रीलंका के बीच में अब तक अगर T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल मिलाकर 19 मैच खेले गए हैं, जहां पर 19 मैचों में से श्रीलंका की टीम ने मात्र 5 मैचों में ही जीत हासिल करी है। तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम ने 13 मुकाबले जीते हैं और एक मैच में कोई भी नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते आंकड़ों के हिसाब से तो भारतीय क्रिकेट टीम ही ज्यादा मजबूत नजर आ रही है T20 सीरीज में। लेकिन हम सभी को नहीं भूलना चाहिए जिस तरह से तीसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने वापसी करी है, उसके बाद उनका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, और ऐसे में वो भारतीय क्रिकेट टीम को हराने के लिए आज अपनी पूरी कोशिश करती हुई नजर आएगी। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें श्रीलंका की टीम के बारे में, तो आज श्रीलंका की टीम में काफी बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, आज श्रीलंका की तरफ से जो टॉप ऑर्डर संभालते हुए नजर आएंगे वो अविष्का फर्नैडो और विनोद भानुका होने वाले हैं। तो भानुका राजपक्षे, धनंजय डी सिल्वा, चरित असलंका, दासुन सनाका और विनोद हसरंगा आज मैदान पर मध्यम क्रम संभालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं गेंदबाजी पक्ष में चमिका करुणारत्ने, इसुरु उड़ाना, अकीला धनंजय और दुष्मांता चमीरा को मैदान पर उतारा जाएगा, जहां पर ये सभी खिलाड़ी एक से बढ़कर एक T20 में प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय टीम के बारे में, तो आज भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करेगी, और जहां पर संजू सैमसन, ईशान किशन को आज कप्तान ने एक साथ शामिल किया है और वहीं मनीष पांडे को मध्यम क्रम से बाहर किया गया। तो वहीं दोस्तों, भारत की जो आज आप सभी को टीम उतरती हुई दिखाई देने वाली है उसमें वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ईशान किशन, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन को बीच मैदान पर उतारने का फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, आज काफी ज्यादा बदलाव दोनों ही टीमों में करे गए हैं, और ऐसे में अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि पहला T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतती है। और यहाँ पर अगर भारतीय टीम के कप्तान ने टॉस जीता तो भारतीय टीम के कप्तान टॉस जीतने के साथ ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं, और वहीं अगर श्रीलंका ने टॉस जीता वो हमेशा की तरह बल्लेबाजी करने की सोच सकती है। बाकी अब आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है, क्या पहला T20 मुकाबला भारतीय टीम जीतेगी या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, प्रिया मलिक को बधाई देते हुए ईशांत और हनुमा बिहारी से हुई चूक, बाद में किया डिलीट ट्वीट। जी हां दोस्तों, पहलवान प्रिया मलिक ने हंगरी में विश्व कुश्ती चैंपियन में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, लेकिन बहुतों को इसके बारे में पता नहीं था और कई लोगों को गलतफहमी के चलते
चलते ऐसा लगा कि प्रिया मलिक ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा और हनुमा बिहारी भी इसी भ्रम में फंस गए और उन्होंने प्रिया मलिक को ओलंपिक में पदक जीतने के लिए बधाई दे डाली। वहीं ईशांत शर्मा और हनुमा बिहारी भावनाओं में बह गए और उन्हें ऐसा लगा कि भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया और दोनों ने ट्वीट कर प्रिया मलिक को हंगरी में विश्व कुश्ती चैंपियन की जगह टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने की बधाई दे डाली। लेकिन उन्हें जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। बाकी आप यहाँ पर उनका ट्वीट जो डिलीट किया गया है वो भी देख सकते हो। और आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेजबान श्रीलंका पर वनडे सीरीज में जीत के बाद टीम इंडिया का अगला लक्ष्य अब 3 मैचों की T20 सीरीज में जीत दर्ज करना है, जहां पर भारतीय टीम श्रीलंका के मुकाबले मजबूत नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने टीम इंडिया को तीसरे वनडे मैच में हराया था, उसके बाद भारतीय टीम को बेहद ही सावधानी के साथ टीम को T20 सीरीज में उतारना है। तो वहीं दोस्तों, कोच राहुल द्रविड़ इस सीरीज में वरुण चक्रवर्ती को आजमा रहे हैं, जो कि ऑफ ब्रेक कैरम बॉल और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए लेग ब्रेक भी कर सकते हैं और वहीं वह IPL में भी अपनी इस काबिलियत का अच्छा नमूना पेश कर चुके हैं। तो वहीं वो खराब फिटनेस और चोटिल होने के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा पाए थे और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी नहीं खेले, दोनों को मौका दे सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों को अंतिम एकादश में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं मनीष पांडे को मध्यम क्रम से बाहर किया जाएगा और जबकि पांड्या बंधुओं हार्दिक और कृणाल का चयन तय है। तो वहीं दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर एक मैच में विश्राम के बाद नई गेंद संभालने के लिए तैयार होंगे, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट में चक्रवर्ती और कृणाल के साथ युजवेंद्र चहल को रखा जा सकता है। जीत पाएगी श्रीलंका के खिलाफ या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, श्रीलंका के खिलाफ BCCI ने लिया फैसला, ये खिलाड़ी नहीं होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है और ऐसे में भारतीय टीम ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। तो वहीं एक दूसरी भारतीय टीम अभी इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां पर 4 अगस्त से वो अंग्रेजों के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। वहीं इस सीरीज से पहले टीम के युवा ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल, आवेश खान और वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण भारत आ जाएंगे और पहले खबर निकल कर आ रही थी कि भारत शुभमन गिल और अन्य खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी भी खिलाड़ी को इंग्लैंड नहीं बुलाया। इसके अलावा ऑलराउंडर जयंत यादव को भी जल्दी ही इंग्लैंड भेजा जाएगा और ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने 2 ओपनर और 1 स्पिनर के लिए अर्जी डाल दी है। इसकी आपकी क्या राय है, क्या BCCI ने बिल्कुल सही फैसला लिया या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।